हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मनचीत में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रेन पंप जो स्प्लिट एसी में इंस्टॉल्ड होता है वो कैसे इंस्टॉल्ड होता है और किस रीजन से इंस्टॉल्ड होता है। ये हमारा S10 का मिनी ड्रेन पंप है जो हम इस इंडोर यूनिट में फिक्स करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसका पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम ड्रेन हमारी मशीन से निकलती है तो वो नीचे की तरफ होती है, इसमें कोई पंप नहीं होता। तो हम इसको ऊपर, जो हमारे चैनल आप देख पा रहे हैं ऊपर जहाँ पे ब्लैक कलर का पाइप पहुंचा है, वहां से इसकी ड्रेन को कनेक्ट करेंगे और उसको आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेंगे और इसके वहां से ड्रेन में इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये फिल्टर आएगा। फिल्टर कनेक्ट होने के बाद एक पाइप कनेक्ट होगा। पाइप कनेक्टिविटी के पास ये स्टोरेज टैंक, मेरे को ये पाइप यहाँ से काटनी पड़ेगी। स्टोरेज टैंक को स्टैंड चाहिए, तो स्टैंड के लिए या तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ या इसको पीछे ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पे इसको स्टोर करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, आगे की वीडियो में नहीं बना पाया किसी कारण से। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं इस पंप को इंस्टॉल करूँगा तो पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि इस पंप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। पर वीडियो को मेरी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।